Hello everybody, good evening, welcome to an Academy Sapiens YouTube channel. This is Dr. Pranali Mishra और आज करने वाले हम फिर से biology का full syllabus mock. ये mock daily रात को 8 बजे होता है, daily NEET तक होगा. तो try कीजिए इस mock को daily attend करना और अपना score check करना कि 90 में से आपके कितने correct हो रहे हैं. So let us start with the session. जब भी आप Unacademy download करते हैं तो you can use my code Dr. Pranali Live. इससे आप फ्री की जितनी क्लासेस है, स्पेशल क्लासेस है, आप उनको क्या कर पाएंगे, अनलॉक कर पाएंगे और उन्हें देख पाएंगे. सेम कोड आप यूज कर सकते हैं. अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको 10% ऑफ मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस कोड. ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है 4 सेप्टेम्बर को. तो अच्छे से पढ़ाई करते जाइए और अपनी रैंक प्रिडिक्ट कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट. सो आके आप आज के टेस्ट के लिए रेडी है सभी लोग? Are you ready for today's test? तो फिर शुरू करें क्या आज का सेशन? रेडी है सभी लोग? चलिए तो आज का टेस्ट शुरू करते हैं. टेस्ट के आखिरी में बताना कि 90 में से कितने करेक्ट गए, ठीक है? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विल, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स का क्या होगा? जैसे ही आप किंगडम्स स्पीशीज से किंगडम जाएंगे, स्पीशीज से किंगडम जाएंगे, ठीक है, तो कॉमन कैरेक्टर्स का क्या होगा? तो द आंसर इज कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि स्पीशीज मोर स्पेसिफिक है, किंगडम लेस स्पेसिफिक है. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज प्रपोज बाय आर एच विट्टेकर. आर एच विट्टेकर ने प्रपोज किया था. नेक्स्ट पर आते हैं. ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड, जो ऑर्गेनिजम्स सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरियाज में रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दे आर नोन एज हेलोफाइल्स. सॉल्ट पसंद है उन्हें, हेलोफाइल्स. फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट, जो डिससिमिलर है साइज में, उसे क्या बोलेंगे? फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट्स डिससिमिलर इन दी साइजेस. गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. मैंने अभी सबके मैसेजेस देखे. गुड इवनिंग बेटा, 9 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे से मेहनत करनी हमें, है ना? चलिए फोर्थ का क्या आंसर हो जाएगा? सी, डिससिमिलर इन साइज बोल दिया ना, इसीलिए एन आइसोगैमी. नेक्स्ट, प्रोटोनीमा इज, प्रोटोनीमा क्या है? फिफ्थ, प्रोटोनीमा क्या है बेटा? तो प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है और कहाँ पे मिलता है? एंड इज फाउंड इन दी मॉसेस. किसमें मिलेगा? मॉसेस में मिलेगा. सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? मॉसेस में मिलेगा. इन सम एनिमल्स ग्रुप बॉडी डिवाइडेड होती है कंपार्टमेंट में और सीरियल रिपीटेशन होता है ऑर्गन्स का इन डिवीजन में, इसे क्या बोलते हैं? इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते हैं? तो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज मेटामेरिज्म. इस कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोला जाता है? इस कैरेक्टरिस्टिक को मेटामेरिज्म बोला जाता है. इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवी पैरस, मतलब एग ले कौन करता है? विच इज ओवी पैरस, एग ले कौन करेगा? तो जो प्लेटिपस है, ऑर्निथोरिंकस है, जो डक बाइल्ड प्लेटिपस है, तो बताइए इसका. ये हो जाएगा हमारा, वेरी गुड, प्लेटिपस विद ओवीपैरस है वो. सेट ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू अ सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप, सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप को कौन कौन बिलोंग करता है? बिलोंग्स टू सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप, वेरी गुड. तो सिंगल टैक्सोनॉमिक ग्रुप को कौन बिलोंग करता है? इट इज मंकी, चिंपैंजी एंड मैन, है ना? सेम सेम है, प्राइमेट्स है. अ कॉन जॉइंट एंड ओपन वैस्कुलर बंडल
विल बी ऑब्जर्व इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ, कॉन्जॉइंट और ओपन किसके उसमें मिलेगा बेटा, कॉन्जॉइंट एंड ओपन किसमें मिलेगा, ये मिलेगा डायकॉट स्टेम में, किसमें मिलेगा डायकॉट स्टेम में। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम आर फॉर्म्ड ड्यू टू, किस वजह से फॉर्म होते हैं बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है नोट करो बेटा, सुबह मैं 10 बजे स्ट्रैटेजी सेशंस लेती हूँ, उसमें मैं मैक्सिमम बच्चों को इसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आप नीट तक कर रहे हैं उनको अच्छे से करो, है ना। टेंथ, रीड सेल का डी डिफ्रेंसिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल, ये लार्ज ब्लड वेसल है इसकी जो इनर वॉल है वो किसकी बनी हुई है, तो दैट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथीलियम, ताकि क्या हो जाए गैशियस एक्सचेंज हो जाए। इलेवेंथ का क्या हो जाएगा सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, विच इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, बताइए बेटा कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। मसल कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि मसल मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू के अंदर आता है वो सारे जो है बोन कार्टिलेज ब्लड, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस बाय, कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता है, कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो एक्सक्रीशन इन कॉकरोच टेक्स प्लेस बाय मालफीजन ट्यूब्यूल्स, किससे होता है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स से होता है, एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मेल कॉकरोच फ्रॉम अ फीमेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेल के पास क्या है, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेल के पास स्टाइल है, मेल बहुत ज्यादा स्टाइल मारते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ कॉडल स्टाइल, ठीक है कॉडल स्टाइल का रहेगा इसमें। नेक्स्ट पर आ जाइए, मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन, मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट्स इन, मियोसिस होगा अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में तो क्या बनेगा, सब गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से, क्रोमोसोम का नंबर 2n से n हो जाता है क्योंकि गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वेरिएशंस तो इंक्लूड होते ही होते हैं, तो इट इज डी। ड्यूरिंग एनाफेस वन ऑफ मियोसिस क्या होगा, ड्यूरिंग एनाफेस वन ऑफ मियोसिस क्या होगा, 16, ड्यूरिंग एनाफेस ऑफ मियोसिस वन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे बेटा, 16th का क्या आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, सेपरेट हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर हेटरोपॉलीमर्स यूजुअली मेड अप ऑफ, प्रोटीन हेटरोपॉलीमर्स है यूजुअली किसके बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं बेटा, 20 टाइप ऑफ मोनोमर्स के बने होते हैं, किसके बने हैं 20 टाइप ऑफ मोनोमर्स के, द नंबर ऑफ एंड इन ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी, नंबर ऑफ एंड ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में कितने हैं, इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस प्लस वन, है ना, एक ज्यादा बस उससे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था बेटा, ये किसी का अगर गलत गया है तो उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। 18th का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा, है ना, द नंबर ऑफ एंड्स इन अ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, कौन ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, वेरी गुड, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स क्या करेगा, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेगा, बाकी चीजें करेंगी। नेक्स्ट, मार्क द मिसमैच्ड पेयर,
कौन सा पेयर मिसमैच्ड है, कौन सा पेयर गलत है? मिसमैच्ड पेयर बताइए। अमाइलो मतलब क्या होता है बेटा? स्टार्च स्टोर करता है। एल्यूरो क्या करता है? प्रोटीन करता है। आपको बताया था ना एक दिन क्लास में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इसीलिए ये गलत हो जाएगा ना। अमाइलो स्टार्च करेगा, एल्यूरोन क्या करेगा, प्रोटीन करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज नॉट कंसिडर्ड ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट? एसेंशियल एलिमेंट का रोल नहीं है। कौन सा एसेंशियल एलिमेंट का रोल नहीं है? क्या ऐसी चीज है जो एसेंशियल एलिमेंट नहीं करता है, बताओ? केमिस्ट्री नहीं चेंज करेगा सॉइल की। प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन, प्लांट्स को कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स को कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं, प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन। तो जो प्लांट्स रहेंगे दे कैन बी ग्रोन इन ईदर वाटर और सॉइल विथ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं उसे, वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं विथ असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। विच मेटल आयन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल में कौन सा आयन प्रेजेंट है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट है बेटा। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट है? मैग्नीशियम प्रेजेंट है। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं लाइट रिएक्शन में? 24 PS2 से कहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, PS1 फेरोडॉक्सिन। ये क्वेश्चन इसलिए इजी था क्योंकि आपको पता है कि कहानी कहाँ से शुरू होगी, PS2 से शुरू होगी, है ना। सारे क्वेश्चंस ऐसा लग रहा है ना, बढ़िया, सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं सॉल्व हो रहे हैं, दैट इज वेरी अमेजिंग बेटा। ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। द एंजाइम दैट इज नॉट फाउंड इन C3 प्लांट, कौन सा एंजाइम C3 प्लांट्स में नहीं मिलता, कौन सा एंजाइम है जो C3 प्लांट में नहीं मिलेगा, बताइए? 25th मिलेगा, 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 ये नहीं मिलेगा, ठीक है। 25th का क्या आंसर हो जाएगा? बी। मैच द फॉलोइंग, आपको क्या करना है, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन क्या है? हाइड्रोजन एक्सेप्टर है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? साइटोक्रोम सी है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या बनाएगा ये एंजाइम? पाइरुविक एसिड पे एक्ट करके एसिटाइल कोएंजाइम है। और डीकार्बोक्सिलेशन किसका हो जाएगा? अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड का हो जाएगा, और खुद भी डीकार्बोक्सिलेशन से ही तो बना है। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट? क्यों बोला जाता है बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को, बताइए? बहुत अच्छे, तो इसीलिए बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ATP को सिंथेसाइज करती है। और ATP क्या है? इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, मतलब पावर बना रही है ये, तो इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। नेक्स्ट, ABA एक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू। ABA किसके एंटागोनिस्टिक काम करता है? ABA किसके अपोजिट काम करता है? तो ABA एक्ट्स एंटागोनिस्ट टू जिब्रालिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस? एपिकल डोमिनेंस ओवरकम करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स ओवरकम एपिकल डोमिनेंस? ठीक है, तो साइटोकाइनिन है जो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने में मदद करता है। नॉट ट्रू ऑफ इंटेस्टिनल विलाई। इंटेस्टाइन में जो ये विलाइज प्रेजेंट है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है,
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, इसके लिए क्या ट्रू नहीं है? इनके पास माइक्रोविला है, बिल्कुल, इनके पास और ऐसे ब्रश बॉर्डर अपियरेंस के लिए माइक्रोविला है। दे इंक्रीज द सर्फेस एरिया, बिल्कुल। दे आर सप्लाइड विथ कैपिलरीज एंड द लैक्टियल वेसल, किससे सप्लाइड है? कैपिलरीज से और लैक्टियल वेसल्स से, ठीक है, सही है। ओनली इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, ये तो एब्जॉर्प्शन में मदद कर रही है, डाइजेशन में तो वैसे भी नहीं कर रही है ना बेटा। तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनालिस, ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल, पैनक्रियाज है, बिल्कुल है, बाइकार्बोनेट आयंस वगैरह, लिवर से बाइल, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा। कौन सी ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड नहीं है? तो इट इज एड्रीनल ग्लैंड, जो क्या है, एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। बन रहे ना सारे क्वेश्चंस? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है? नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए कौन से ट्रू स्टेटमेंट है बेटा? जब आप नॉर्मली ब्रीद करते हैं तो क्या होता है, इंस्पिरेशन एक्टिव होता है ना, वैसे एक्टिवली कर रहे हैं। एक्सपिरेशन तो अपने आप हो जाता है, व्हेन यू क्लोज योर नोज थोड़े टाइम बाद अपने आप हाथ हटा के एक्सपायर कर दोगे। तो इंस्पिरेशन एक्टिव होता है, एक्सपिरेशन पैसिव होता है। इन ब्रीदिंग मूवमेंट एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, 33, एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय, इट कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर। फिर एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये जो स्पायरोमीटर है कौन सी एयर को नहीं मेजर कर पाता है, तो जो स्पायरोमीटर है ये रेसिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाता है, बाकी सबको मेजर कर पाता है। व्हाट वुड बी द कार्डियक आउटपुट ऑफ अ पर्सन हैविंग 72 बीट्स पर मिनट एंड अ स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ 50 ml? तो अगर हमको कार्डियक आउटपुट निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, कार्डियक आउटपुट का एक फॉर्मूला होता है हार्ट बीट इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 34 का आंसर बताइए, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा 3600 ml, है ना। ये स्ट्रोक वॉल्यूम इनकी कम है, यूजुअली कितनी होती है स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml होती है क्या बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्ग, कौन सा पेयर रॉन्ग है, विच पेयर इज रॉन्ग? बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, आखिरी में आज पक्का सबको शाउट आउट मिलेगा। इंसेक्ट्स यूरियोटैलिक नहीं होते हैं, इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स यूरिकोटैलिक होते हैं, इंसेक्ट्स आर यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन, एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन किसे बोला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डायूरेटिक, तो इसमें जो हमारा वैसोप्रेसिन है इसको एंटी डायूरेटिक बोला जाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और बनता कहाँ पर है, बनता हाइपोथैलेमस में, मतलब सिक्रीटेड बाय क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस, और ये हो जाएगा रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटी डायूरेसिस है मतलब वाटर लॉस को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, विच व्हाट इज द टाइप ऑफ मूवेबल जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द एटलस एंड एक्सिस, कौन सा मूवेबल जॉइंट है जो एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है? वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा प्रेजेंट है, क्वेश्चन नंबर 37। तो इट इज पाइवोट जॉइंट, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड। नेक्स्ट, 37 क्वेश्चंस हो गए बेटा। नेक्स्ट, ATPase ऑफ द मसल इज लोकेटेड इन, मसल का ATPase कहाँ लोकेटेड है, 38, ATPase ऑफ मसल इज लोकेटेड इन, इट इज लोकेटेड इन मायोसिन, कहाँ पर लोकेटेड है ATPase ऑफ द मसल, इट इज लोकेटेड इन मायोसिन।
नी जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ, नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट किसके एग्जाम्पल्स हैं? नी जॉइंट और एल्बो जॉइंट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ हिंज जॉइंट, जो एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट को शो करते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एन एरिया इन द ब्रेन विच इज एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है, वो एरिया कौन सा है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है? तो इट इज लिम्बिक सिस्टम। क्या हो जाएगा? ये लिम्बिक सिस्टम हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा किसके साथ एसोसिएटेड है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई स्ट्रक्चर है ये कहाँ प्रेजेंट है? 41, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी कॉकलिया, कॉकलिया में प्रेजेंट है। ठीक है, मैरी है, ठीक है, ये क्या करने वाली है, एक इंटरव्यू फेस करने वाली है, शी इज गोइंग टू अपियर इन सम काइंड ऑफ इंटरव्यू। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स जो थे इंटरव्यू के, उनको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है, हार्ट रेट ऑफ बीट बढ़ने लगता, बहुत बहुत हार्ट बीट बढ़ने लगती है, रेस्पिरेशन बढ़ने लगता है। शी स्टार्ट्स फीलिंग रेस्टलेसनेस। क्यों रेस्टलेसनेस फील करती है? क्योंकि उनकी बॉडी में एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, इसका जो पार्ट है एड्रीनल मेड्यूला, ये क्या करता है बेटा, ये एड्रीनलिन नॉर एड्रीनलिन हॉर्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कैटेकोलामाइन। इसे क्या बोला जाता है? कैटेकोलामाइन बोला जाता है। तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। बहुत अच्छे। नेक्स्ट, द स्टीरॉयड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आर बॉडी। क्या पूछ रहे हैं? ऐसा स्टीरॉयड हॉर्मोन बताना है जो क्या कर रहा है आपकी बॉडी में, वाटर बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरोन। ये भी एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड के कौन से पार्ट से रिलीज होता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और ये करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, लेडिक सेल्स प्रोड्यूस अ ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड, लेडिक सेल एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये कौन सा हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं लेडिक सेल्स, बताइए। हाँ, तो लेडिक सेल्स जो हॉर्मोन प्रोड्यूस करते हैं, दे आर मेल सेक्स हॉर्मोन, दे आर नोन एज एंड्रोजन्स, इन्हें क्या बोला जाता है, एंड्रोजन्स बोला जाता है। अ हॉर्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, ऐसा हॉर्मोन जो स्लीप स्लीप वेक साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 45, तो इट इज मेलाटोनिन, ये नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल, 24/7 डायर्नल रिदम, ये सब मेंटेन करता है। विच ऑफ द कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन से लिंक्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट लिंक्ड टू डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, देखो, डेफिशिएंसी से होता है क्रेटिनिज्म, प्रेग्नेंट वुमेन में थायराइड की कमी हो जाती है, बच्चा मेंटली रिटार्डेड, लो आईक्यू, एबनॉर्मल स्किन वाला पैदा होता है, गोइटर पता ही है आपको, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी, ये मिक्सोडीमा भी इसी से होता है, पर एक्सोप्थेल्मिक गोइटर हाइपर थायराइडिज्म से होता है, डेफिशियंसी से नहीं होता है। नेक्स्ट, अ मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट, एक राइस प्लांट है, ठीक है, इसका जो मेल गैमीट है उसमें क्या है, 12 क्रोमोजोम है, मेल गैमीट ऑफ राइस प्लांट हैज 12 क्रोमोजोम इन देयर न्यूक्लियस, क्रोमोजोम नंबर फीमेल गैमीट में कितना होगा, जायगोट में कितना होगा, और सीडलिंग में कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये अपना हैप्लॉइड होगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, कौन सा इवेंट है बेटा जो फर्टिलाइजेशन के बाद होगा, विच इवेंट विल टेक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सो इट इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। नेक्स्ट, अपियरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल
फ्रॉम द नोड्यूल्स ऑफ प्लांट सच एज शुगर केन एंड जिंजर इज मेनली बिकॉज, मेनली किस वजह से है? 49. तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स हैं नोड्स से निकल रहे हैं, है ना, तो नोड्स में ऐसा क्या है? तो आपको भी पता है कि नोड्स में क्या हो जाएगा, नोड्स से इसीलिए ग्रोथ हो रही है बेटा. 49 का आंसर बताइए. वेरी गुड. हाँ, इसीलिए क्योंकि नोड्स में मेरिस्टमैटिक सेल्स है. नोड्स में क्या है? मेरिस्टमैटिक सेल्स है. और ये मेरिस्टमैटिक सेल्स क्या करते हैं? ये मेरिस्टमैटिक सेल्स डिवाइड हो के वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बनाते हैं. अमंग द फॉलोइंग लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम. टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है, कौन कौन से टेक्निकली करेक्ट नेम नहीं है ये आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 50, कौन कौन से करेक्ट नहीं है, ये यूज नहीं करने चाहिए हमें, मतलब ऐसा बोल रहे हैं. बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है आज 90 on 90 लेके आओगे आप लोग आज के टेस्ट में, है ना. ठीक है, हाँ, तो इट इज अ 2 and 4. कार्पल और सेपल यूज नहीं करते हैं, कैलिक्स एंड करोला यूज करते हैं. फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विथ द जिम्नोशियम. जो जिम्नोशियम के साथ एसोसिएटेड है वो कौन कौन से है बेटा? एसोसिएटेड विथ जिम्नोशियम. 51, जिम्नोशियम के साथ कौन कौन से एसोसिएटेड है? स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक और प्लेसेंटा. ये सब किसके साथ एसोसिएटेड है? जिम्नोशियम के साथ एसोसिएटेड है. स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन द ओव्यूल्स आर. 52, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट, सबसे अंदर वाले पार्ट से शुरू करें तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? सो इट विल बी एग, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर होता है न्यूसेलस और इंटेग्यूमेंट इसको कवर करके रखती है. तो 52 का क्या हो जाएगा बेटा? 52 का हो जाएगा हमारा बी. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट, ऑटोगैमी कैन अकर इन अ चैस्मोगैमस फ्लावर. ऑटोगैमी कब हो सकती है इसमें? ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन. कब हो जाएगा ऑटोगैमी इसमें? 53 वाले में. तो जब इसी, देखो मतलब इसके पास पोलन भी है, इसके पास ओव्यूल्स भी है ना, मतलब मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन जब दोनों साथ में मैच्योर करेंगे तभी तो पॉलिनेशन वगैरह हो पाएगा. तो 53 का क्या आंसर होता है? 53 का होता है सी. पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट, है ना. कैसे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कर रही है? लाइट पॉलन ग्रेन, हल्के से, नॉन स्टिकी, मतलब चिपक नहीं रहे, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस कर रही है, और उसकी जो स्टिग्मा है दैट इज लॉन्ग एंड फैदरी. These modifications facilitate pollination by 54. कैसे pollination को facilitate करते हैं? तो ये wind pollination के लिए, हल्के हैं तभी तो उड़ पाएंगे, और इतनी feathery वो होगी stigma तभी उनको capture कर पाएगी pollen grain को, और तभी उन्हें trap कर पाएगी. Next, in the embryos of a typical dicot and a grass, true homologous structures are. Homologous structures क्या है? ओरिजिन सेम और फंक्शन डिफरेंट है क्या? 55 बताइए. 55 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा? कौन कौन से वो ऑर्गन्स होंगे? वेरी गुड. तो ये ऑर्गन्स हो जाएंगे अपने कॉटिलिडन डायकॉट में और स्क्यूटलम ग्रास में या फिर मोनोकॉट में. नेक्स्ट, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयर इन पार्ट ऑफ द सेक्सुअल अपैरेटस is used for forming embryos without fertilization. बिना fertilization के क्या हो रहा है? embryo बन रहा है. इस condition को क्या बोलेंगे? इस condition को क्या बोलेंगे? The phenomenon observed in some plants wherein part of the sexual apparatus is used to form embryos without fertilization. It is apomixis. It is known as apomixis. एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू. स्पर्म की जो एक्रोसोमल रिएक्शन होती है वो किस वजह से होती है? 57, तो इट कब होती है ना? इट्स कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलेसुडा ऑफ द ओवा.
जब उसके साथ कांटेक्ट में आती है तभी होती है, ठीक है, तभी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है, कौन सी मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है बेटा? 58 एम्प्यूला, एम्प्यूला इज नॉट अ मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फिगर बिलो शोइंग इन पर्टिकुलर, व्हाट इज दिस फिगर शोइंग, है ना, ये सबसे पहले क्या है, फिर ये कट करके लाइगेट कर दिया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा 59 का, वेरी गुड, है ना, इजी है, तो इट इज वास डिफरेंस कट करा है तो इसको बोलेंगे वैसेक्टॉमी, इसे क्या बोलेंगे, वैसेक्टॉमी बोलेंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ, कंडीशंस ऑफ कैरियोटाइप 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 2, 2n माइनस 2 आर कॉल्ड, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी, इट इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड द परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन, डिस्टेंस और परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशन कैसे रिलेटेड है ये आपको बताना है। 61, तो देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, और जितना कम लिंकेज उतना ज़्यादा क्या, रिकॉम्बिनेशन। तो 61 का आंसर हो जाएगा ए। इन अ जेनेटिक डिसीज, इफ अ जेनेटिक डिसीज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी द डिसीज इज, 62, डिसीज कौन सी होगी, डिसीज कौन सी होगी, इट इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, कौन सी डिसीज होगी, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होगी। नेक्स्ट, जेड जेड और जेड डब्ल्यू टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें दिखता है, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें दिखता है, 63, ऐसा सेक्स डिटर्मिनेशन पिकॉक में दिखता है, ठीक है, बर्ड्स में दिखेगा ये, ओकेजनली एक सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब एक जीन है जो बहुत सारे इफेक्ट शो करता है, ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलोगे आप, तो ऐसे फिनोमिनन को क्या बोलेंगे बेटा, दिस फिनोमिनन विल बी नोन एज प्लियोट्रॉपी। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ना, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। इन द F2 जनरेशन ऑफ अ मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप आर, नंबर ऑफ फीनोटाइप और जीनोटाइप क्या होते हैं, 65, तो देखो अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो चार टाइप के फीनोटाइप आते हैं, 9:3:3:1, तो फीनोटाइप हो जाएंगे चार, और वो हो जाएंगे आपके 9, 12, 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, तो 9 टाइप के जीनोटाइप्स हो जाएंगे, फिनोटाइप होंगे 4 टाइप के और जीनोटाइप हो जाएंगे 9 टाइप के 65 में। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस वुड प्रिवेंट द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करता है, 66, कौन प्रिवेंट करेगा, 66, रिमूव या फिर रिप्लेस करेंगे 3-OH ग्रुप को इन दी डीऑक्सीराइबोस, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर्स इन वन स्ट्रैंड बिकॉज, 67, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है डीएनए का वन स्ट्रैंड में, क्यों, क्योंकि जो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन को,
ओनली इन वन डायरेक्शन, किसमें पॉलीमराइज करता है, ओनली इन दी वन डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। मिजल्सन और स्टाल के एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते हैं चार जनरेशंस तक अगर एक बैक्टीरिया में, तो रेशो क्या होगा, रेशो क्या होगा ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द रेशो? व्हाट विल बी द रेशो बेटा? क्वेश्चन नंबर 68। इट विल बी 0, 1 and 7। 0, 1 and 7, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नहीं बेटा 68 का बहुत बच्चे गलत बता रहे हैं, सोच लो एक बार 68 का क्या होगा। इफ मिजल्सन्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 4 generations इन बैक्टीरिया, द रेशियो ऑफ n15n15:n15n14:n14:14 containing DNA in the 4th generation would be। जीरो वन और सेवन होगा बेटा, DNA सेमी कंजर्वेटिव शो करता है, ठीक है। तो अगर क्या होगा कि पेरेंट DNA को अगर फर्स्ट आइसोलेट करा इकोलाई से, जो हैवी n15 मीडियम में था, फिर उसको लाइट मीडियम में रखा और DNA सेमी कंजर्वेटिव शो करता है, तो फोर्थ जनरेशन सब कितना हो जाएगा, वो 0, 1, 7 हो जाएगा। द अमीनो एसिड अटैचेस टू द tRNA एट इट्स, कहाँ अटैच करता है, 69। वेरी गुड बेटा रहमान, इट इज थ्री डैश एंड। नेक्स्ट पर आ जाओ। ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कौन सी डिसीज का है, 17, कौन सी डिसीज को इंडिकेट करता है ये, तो ये इंडिकेट करता है एलिफेंटियासिस को। एलिफेंटियासिस किससे होता है, फिलेरियल वॉर्म से। कौन सा नाम है फिलेरियल वॉर्म का, इट इज वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी और वुचरेरिया मलाई, वुचरेरिया बैंक्रॉप्टी या फिर वुचरेरिया मलाई। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। सोनालिका और कल्याण सोना आर दी वेराइटीज ऑफ, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी वेराइटीज हैं, सोनालिका एंड कल्याण सोना आर दी वेराइटीज ऑफ, दे आर दी वेराइटीज ऑफ वीट। साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें क्रॉप को एनरिच कर देते हैं डिजायरेबल न्यूट्रिएंट से, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स ऐड कर देते हैं। 73, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफेन है असेंशियल अमीनो एसिड्स, दे आर असेंशियल अमीनो एसिड्स, बहुत अच्छा सॉल्व कर रहे हो बेटा। 73 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट। 74, प्रोटोप्लास्ट क्या है, एक प्लांट सेल है विदाउट अ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं है, इसके पास सेल वॉल नहीं है। Which of the following products of apiculture is used in cosmetics and polishes? 75th, which of the following product of apiculture is used in cosmetics and polishes? कौन सी चीज यूज होती है बेटा, तो इट इज दी बी वैक्स, बी के जो हाइव है उससे वैक्स निकलता है, वो यूज होता है पॉलिशेस में और कॉस्मेटिक्स में। द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज अबाउट, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इंडिया का क्या एम्प्लॉय, कितने परसेंट पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करता है और कितना परसेंट जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो 60% को करता है ना, 60% ऑफ द पॉपुलेशन को करता है।
A collection of all the alleles of all the genes of a crop plant is called. All the alleles, na, of all the genes. 77. It is known as germ plasm collection. इसे क्या बोला जाता है? Germ plasm collection बोला जाता है. Waste water treatment generate करता है large quantity of sludge. वेस्ट वाटर क्या करेगा बेटा? बहुत सारा स्लज को जनरेट करेगा. ठीक है, फिर इसको कैसे ट्रीट करेंगे? इसको कैसे ट्रीट करेंगे? एन एरोबिक डाइजेस्टर से इसको ट्रीट करेंगे. एन एरोबिक डाइजेस्टर से ट्रीट करेंगे. बहुत अच्छे बेटा, नाइस. नेक्स्ट पर आ जाओ. मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस. मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस नहीं करते? मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस नहीं करते? 79. ऑक्सीजन नहीं करते. मिथेन तो करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड भी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी करेंगे, ऑक्सीजन नहीं करते हैं. एनएरोबिक कंडीशन में तो रहना पसंद करते हैं. नेक्स्ट पर आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 80 क्या पूछता है बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूटेड इन पॉपुलराइजिंग द पीसीआर टेक्निक. पीसीआर टेक्निक को पॉपुलराइज किसने करा? पीसीआर को पॉपुलराइज किसने करा? तो ये जो देखो पीसीआर तो तभी पॉसिबल हो पाई बेटा, सीधी सी बात है, जब क्या मिला? बहुत ज्यादा थर्मोस्टेबल हमको टेक पॉलीमरेज मिला. टेक पॉलीमरेज नहीं मिलता तो काम नहीं हो पाता. यू डू अंडरस्टैंड दैट, है ना? क्यों नहीं हो पाता? टेक पॉलीमरेज नहीं मिलता तो इसीलिए नहीं हो पाता, क्योंकि डी नेचुरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है और इतने हाई टेम्परेचर पे एंजाइम भी डी नेचर हो जाएगा. नेक्स्ट पर आ जाओ. नेक्स्ट पर आओ बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ट्रू नहीं है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कौन सी ट्रू नहीं है? 81. ये सही है, ये सही है, ये सही है. इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड नॉट फ्रॉम दी वायरसेस. तो 81 के लिए गलत कौन सी है? 81 के लिए जो गलत है दैट इज सी. बहुत अच्छे. नेक्स्ट. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी इज. सीएनजी का क्या नेचर होता है? 82. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कौन सी होगी बेटा? वेरी गुड. इट विल बी मीथेन. इट विल बी मेनली मीथेन. Which of the following exhibits biomagnification? Biomagnification कौन exhibit करता है? Biomagnification कौन exhibit करता है? तो mercury भी करता है, DDT भी करता है, तो answer आ जाएगा both B and C. Pitcher plant आपको सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? Where will you find a pitcher plant? कहां पर मिलेगा बेटा एक पिचर प्लांट हम लोगों को? 84. वेरी गुड. रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया. 84 का हो जाएगा ए. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलेगा. बहुत अच्छे, वेरी गुड. नेक्स्ट पर आ जाओ. द एक्सटिंक्शन ऑफ पैसेंजर पिजन वॉज ड्यू टू. पैसेंजर पिजन क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया. क्यों एक्सटिंक्ट हो गया? ऐसा क्या होने लग गया बेटा? तो ये होने लग गया कि ओवर एक्सप्लॉइट करने लग गए ह्यूमन उसको. व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर में कौन सी चीज कॉमन है? 86. कौन सी चीज कॉमन है? तो ये सभी क्या है? एक्स सीटू कंजर्वेशन के मेथड्स हैं. बाहर ले जाके इनका क्या कर सकते हैं? कंजर्वेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट.
हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर, बताइए कितना परसेंट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कर सकते हैं? 87, इट इज बी 10%. अमंग द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल किसमें लॉस ऑफ रेस्पिरेशन नहीं होता? बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको नहीं आए वो नोट कर लेना. इट इज 88 का क्या हो जाएगा? तो ये गैशियस साइकिल्स में होता है ना, ऑक्सीजन और CO2 VO2 के उसमें रहता है, ये इसमें नहीं रहता है, तो किसी में भी लॉस ड्यू टू रेस्पिरेशन नहीं होगा. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पर आ जाओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज मोस्ट प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन? नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए बताओ कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव है. कौन सा मोस्ट प्रोडक्टिव है? तो इट इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती रहती है बेटा. ठीक है, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर एवोल्यूशन रेफर्स टू. पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस? तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस वो होता है जो फॉसिल्स से हमें मिलता है. तो बेटा अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और ये बताओ मुझे कि आज आपके 90 में से कितने करेक्ट हुए. अगर आपके 80 प्लस करेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, बिल्कुल मुझे बताओ कितने करेक्ट हुए. कल रात को 8 बजे फिर मिलेंगे. सुबह 10 बजे एक स्ट्रैटेजी सेशन होता है, आप उसमें भी आ सकते हो. कल इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी सेशन में, कि नीट का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस. तो सुबह हमारा 10 बजे नीट तक सोच रहे स्ट्रैटेजी सेशन चले. नहीं, कल 10 बजे होने वाला है इफेक्टिव रिविजन प्लान में क्या, जो भी आपका रिविजन प्लान है ये क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, ये मैं आपको कल सुबह 10 बजे बताऊंगी. तो 10 बजे सुबह इसी यूट्यूब चैनल पे बताऊंगी कि आपका रिविजन इफेक्टिव कैसे बना लो. ठीक है, पहली चीज. और दूसरी चीज जो है बेटा, 8 बजे फुल सिलेबस मॉक होगा. मैं एक बार शाउटआउट दे देती हूँ उन बच्चों को. मजा आया आज के सेशन में? अब जो जो बच्चों ने बढ़िया आंसर करा है सबको शाउटआउट दे रही हूँ, किसी को शाउटआउट नहीं मिल पाया तो बताना. वेरी गुड, पियाली, स्नेहा, ऋषिकेश, रिजू, मंजू, मोहम्मद, रेनबो, मंजू, अर्शिया, शुभाली, कशिश, चयानिका, श्वेता, चित्रांगना, महिमा, कुलसुम, गीतिका, शिव, सुधाकर, विवेकानंद, डिम्पल, अनु, कलियप्पन, साक्षी, श्रेया, अंकिता, अफरीदी, अंसारी, कुलसुम, श्वेता, सैफी, प्रिया कुमारी, पूर्णिमा, निकिता, फतिमा, पियाली, रजदीप, विशाल, राजकुमार, तमालिका, अर्शिया, पुष्पेंद्र, रेखा, पॉपी, सुनारिका, बहुत बढ़िया, नेहा, रवि, अयशा, टी सॉन्ग्स, कोई बच गया है शाउट आउट के लिए? अंजनी, रौनित, प्रीतम, कृष्णा, राज, हर्षद, रोहिल्ला, निकिता, अभिषेक, अर्शिया, शौर्य, सुकन्या, रहमान, थैंक यू हिमांशु, थैंक यू, विवेकानंद, आशीष, वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो चलिए, है ना, चलिए बेटा मिलते हैं कल रात को 8 बजे फिर से. बहुत अच्छे मार्क्स है आप सभी लोगों के. बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो एट शार्प 8 PM. वेरी गुड मेघा, सुकन्या, केशव, पढ़ाई, अनीशा.